हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एसटी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर आप अपने स्कूल या कॉलेज के लिए व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियोस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वीडियोस्क्राइब, उसे कैसे यूज किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको वीडियोस्क्राइब के सभी बेसिक्स बताऊंगा, तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्क्राइब का ओपनिंग इंटरफेस कुछ इस तरह का है। यहाँ पर नई एनिमेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर सबसे ऊपर है, ये आपको यहाँ पर टूल्स मिलते हैं, इससे आप सारी एनिमेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे ये टाइम लाइन है और यहाँ पर कैनवस है, इसमें आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे वो यहाँ पर सारा आपके सामने दिखेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो फ्रेंड्स, ये है जो यहाँ कैनवस है पीछे, इसका अगर आप कलर या फिर टेक्सचर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसके टेक्सचर भी यहाँ पर अलग अलग ऐड कर सकता हूँ। साथ में इसमें अगर कोई विंटेज इफेक्ट्स भी डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर डाले जा सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं तीन कलर्स बने हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर बनाना चाहे वो यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ पर बना रहा हूँ, तो इस तरह से फ्रेंड्स इस कैनवस के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे डिफॉल्ट यानी व्हाइट में ही रहने देता हूँ, व्हाइट नो टेक्सचर पर मैं इसे अभी सेट कर देता हूँ, जिससे आपको जो भी मैं यहाँ पर एनिमेशन करूँगा वो आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर अब सबसे पहले है यहाँ पर ये, तो अगर आप जब एनिमेशन तैयार हो जाएगी तो उसके बाद सेव करने के लिए है। तो इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पर इमेजेस ऐड करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आ रही है, ये जो मैंने पहले यूज़ की है वो है यहाँ पर मतलब मोस्ट यूज इमेजेस यहाँ पर आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके वीडियो स्क्राइब का जो यहाँ पर स्टोर है उससे अगर कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो ये एक आइकन बना है इस पर क्लिक करना होगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपके सामने यहाँ बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे आप जो भी यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना होगा, जैसे यहाँ सोशल मीडिया तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन आपके सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये आप तभी इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास नेट कनेक्शन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, एरो पर आपको बहुत से आप एरोज यूज करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कितने सारे एरोज हैं। तो ये है, साथ में अगर आप इसमें जैसे आप देखते होंगे कोई भी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, तो उसमें आप बहुत से जैसे लोग होते हैं उनको एनिमेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इंपोर्ट करने के बाद तो यहाँ आप टाइमलाइन पर नीचे देख सकते हैं यहाँ अभी आ रहा है 8 सेकंड। तो इसमें आप इसकी जो एनिमेशन है वो कितने टाइम की रखें वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप जैसे मान लीजिए मैं इसे 7 सेकंड रख रहा हूँ, तो इसके बाद आप इसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्ले का आइकन है, इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर बनना तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो जूम एट एंड है इसको आप बंद कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं जब ये बन जाए तो इसमें आप थोड़ी बहुत एडिशन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पर जाना होगा और इसके बाद आप देख सकते हैं आप हाथ कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हैंड आइकन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड्स आ जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप कोई अपने हाथ की फोटो भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड ऑन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पर अभी इसमें ये वाला कर देता हूँ। तो इसके बाद आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये जिप से बनना तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये तो था इसका हाथ चेंज करने का तरीका। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप इसमें हाथ का इफेक्ट नहीं लाना चाहते हैं, आप इसे कहीं बाहर से अंदर को फ्लाई इन करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पर मूव इन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद जिस भी डायरेक्शन से आप इसे लाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ राइट पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो 7 सेकंड्स है इसमें अगर आप इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अंदर लाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको इसे इसकी जो टाइमिंग है वो आपको 1 या 2 सेकंड्स के बीच रखनी चाहिए, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का इफेक्ट ये आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं अभी इसमें जब इसको हम अंदर ला रहे हैं तो हाथ भी यहाँ पर सामने आ रहा है। तो इसके लिए अगर आप हाथ नहीं चाहते
सकते हैं। तो इसके लिए आपको वही प्रॉपर्टीज पर जाकर यहाँ पर जो हैंड है इस पर आपको जो यहाँ नो हैंड का एक ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप अगर इसे अब राइट क्लिक करके यहाँ पर इसका प्रीव्यू करें तो आप यहाँ देख सकते हैं अब ये अपने आप ही अंदर आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप कोई और जैसे टेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ हाय फ्रेंड्स, तो ये जब आप लिख लेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इसका फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत से फॉन्ट्स मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने जब आप इस पर क्लिक करेंगे किसी भी फॉन्ट पर तो ये पहले आपको इसमें सीधा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको पहले इसे इंपोर्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मान लीजिए ये टेक्स्ट है तो इसे आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसके बाद जो भी आप इसके बेसिक करेक्टर्स या लैटिन एक्सटेंडेड जो भी आप इसका टाइप इम्पोर्ट करना चाहते हैं उस पर आपको टिक करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लैटिन एक्सटेंडेड पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ राइट पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आपको 845 जो करेक्टर्स है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएंगे। तो जब आप राइट पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी इम्पोर्टिंग शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 845 करेक्टर्स है इम्पोर्ट करने के लिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कुछ 10 या 15 सेकेंड्स का टाइम तो लग ही जाएगा। तो तब तक आपको फ्रेंड्स वेट करना है। सो फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ पर इंपोर्ट हो जाए तो इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आपने अपने टेक्स्ट को इंपोर्ट किया होगा वो यहाँ पर इस तरह से ब्लू हाईलाइट होकर आ जाएगा और जो भी आपने इंपोर्ट नहीं किया है वो यहाँ पर वाइट इसमें पीछे हाईलाइट रहेगा ये, और जो भी आप इंपोर्ट कर दें वो यहाँ ब्लू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको इसे यहाँ पर कैंसिल करके अगर आप अभी भी फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस और माइनस से कर सकते हैं। जैसे प्लस से अगर करेंगे तो फिर से ये चेंज हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फॉन्ट है ये वाला, इसको टेक्टॉन प्रो, तो इसको मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे जहाँ प्लेस करना चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी इसमें आप इफेक्ट डालना चाहे, जैसे कोई आपके पास हाथ का इफेक्ट है या फिर अगर मूव इन करना चाहते हैं, तो जैसे फ्रेंड्स टेक्स्ट होता है इसे अगर आप हाथ से ही एनिमेट करें तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं इसे हाथ पर ही रहने देता हूँ और आप यहाँ हैंड पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला हाथ ही यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रीव्यू भी दिख जाता है, तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करके यहाँ भी राइट कर देना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसे प्ले करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इस तरह से आ रहा है। फ्रेंड्स अगर आप जितना भी आपने इम्पोर्ट कर दिया है तो वो अगर पूरा देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस प्ले पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर ये पूरे इफेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं जो भी हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल जब ये आदमी यहाँ पर आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है और जो फिर हाय फ्रेंड जब लिख के आ रहा है तो वो अपने आप ऊपर चल के ये सेंट्रलाइज्ड हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पर ये करना होगा, यहाँ पर जो इसका असली डायमेंशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों एक ही स्क्रीन में रहे, कुछ ऊपर नीचे ना जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पहले क्लिक करके यहाँ जो ये कैमरा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद जब आप हाय फ्रेंड्स पर भी क्लिक करेंगे तो इसके बाद अगर आप प्रीव्यू करें तो आप यहां देख सकते हैं ये आदमी अब ऊपर नहीं गया, ये यहीं पर रहा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आप जैसे एक अपना सीन तो क्रिएट कर दिया है, तो इसी तरह से अगर आप दूसरा सीन भी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे पहले यहाँ पर ड्रैग करना होगा, जिससे जो पहला इफेक्ट है वो पूरा डिसअपीयर हो जाए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप जैसे अगर कोई अपनी कंप्यूटर से भी इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसके बाद जो भी आप फोटो इम्पोर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पर एक फ़ोटो है ये इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट पर क्लिक करके थोड़ी देर का वेट करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ सेकंड पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको इसे यहाँ पर कैंसिल कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो चुका है और इसके बाद फ्रेंड्स आप जितना भी इसका साइज चाहे वो यहाँ पर करके इसकी प्लेसमेंट करके आपको यहाँ पर यहाँ कैमरे पर क्लिक करना होगा, जिससे इसका जो प्लेस है जो आपने जहाँ भी इसे प्लेस किया है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इस फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप इसकी अभी इसको प्रीव्यू करके देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कैसा बन रहा है, जो अभी काफ़ी ख़राब लग
रहा है क्योंकि इसमें जो ये इसकी एनिमेशन है ये काफ़ी रफ लग रही है। इसी तरह से कोई और फोटो भी अगर आप चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ही इंपोर्ट कर देते हैं, इसके बाद आप जैसे मान लीजिए इस पर लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद इंपोर्ट हो जाने के बाद इसको कहीं भी प्लेस करके यहाँ कैमरे पर टिक करते हैं, और इसके बाद अगर आप इसका प्रीव्यू करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर नीचे सिर्फ जा रहा है, जो कि काफ़ी ख़राब लगता है। ये जब भी आप इसकी एनिमेशन देखोगे तो ये बिल्कुल ख़राब लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसको अगर आप ऐसा ही चाहते हैं जैसे यहाँ पर ये जो आदमी है ये कैसा बन रहा है, पूरी इसकी शेप्स आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक जैसे मान लीजिए मैं फ़ोटो यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ और मान लीजिए ये फ़ोटो मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इसके बाद इसको यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, तो जब हम इसका प्रीव्यू करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी पूरी आउटलाइन पहले ड्रॉ होती है और उसके बाद इसमें कलरिंग होती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और जबकि इस जो हमने यहाँ पर एक लड़की थी तो इसको एनिमेशन जब हो रही थी तो वो काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस इमेज को भी आप चाहते हैं कि ये भी इसी तरह ड्रॉ हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी इमेज है वो आपको SVG में कन्वर्ट करनी होगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दिया है, तो उस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह के पेज पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड, जो भी आप इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही जो इमेज है ये यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ, तो इसके बाद आप यहाँ कन्वर्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, ये आप यहाँ देख सकते हैं ये अब कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसमें अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फ्रेंड, जैसे ही ये अपलोड होगी ये अपने आप यहाँ पर डाउनलोड भी हो जाएगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुकी है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप अगर उस फोटो को इंपोर्ट करें तो अब आप यहाँ पर आपको पहले चेंज करनी है कैनवस की डायमेंशंस और उसके बाद आपको यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड, जब आप अगर अब इसका इसको पहले यहाँ राइट पर क्लिक करने के बाद इसका प्रीव्यू करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी यहाँ पर जो लड़की है वो बन रही है, जो कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट लग रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये तो था कि कैसे आप कोई भी इमेज या फिर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, यहाँ से आप कोई अगर ग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालनी होगी। जैसे अगर आप लेबल्स भी डालना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ एज, फॉर एग्जांपल एज है, और इसके बाद आपको यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ डाल देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 और उसके बाद 25, 30। तो इस तरह से जैसे ही आप डालेंगे तो इसके बाद आपको इसका जो टेक्स्ट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसके बाद आप इसे जहाँ भी प्लेस करना चाहे वहाँ कर सकते हैं। जैसे इस लड़की को पहले हम यहाँ प्लेस कर देते हैं और इसके बाद इसे हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये बीच में एक आइकन बना है, तो इसकी इसकी मदद से आप इसको पूरा जहाँ आप रोटेट करना चाहे वहाँ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे ऐसे रखना चाहता हूँ और इस लड़की को भी थोड़ा हम रोटेट कर देते हैं इस तरह से और यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ से अगर प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक आदमी यहाँ आता है, तो इसके बाद जो हाय फ्रेंड्स हमने टेक्स्ट डाला है तो इसको शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ पर जाकर आपको यहाँ जो ट्रांजिशन है ये 0 पर सिलेक्ट करनी होगी और पॉज को भी 0 पर ही रखना होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ राइट पर क्लिक करना है, इसके बाद फ्रेंड जो भी आपने इफेक्ट डाला सबको यहाँ पर 0 पर ही सेट करना होगा, उससे जो आपकी एनिमेशन है वो एकदम ही शुरू हो जाएगी। जैसे ये ख़त्म हुई तो इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है वो भी एकदम आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो ये ट्रांजिशन और पॉज मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ट्रांजिशन और पॉज ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी चाहे उतना सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे भी यहाँ पर 0 पर सेट कर देता हूँ और इसके बाद जब हम इसका प्रीव्यू करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एकदम ही
इसके बाद दूसरा शुरू हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आप अपने हिसाब से जितनी भी इसकी ट्रांजिशन और पॉज की टाइमिंग है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप इसमें कोई म्यूज़िक भी ऐड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर इसमें आपको पहले भी बहुत से म्यूजिक्स मिल जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी यहाँ पर कंप्यूटर से भी इसमें कोई भी म्यूजिक इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी इसमें एक अच्छा फीचर है। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप जैसे यूट्यूब के लिए कोई एनिमेटेड वीडियोज़ बना रहे हो आप और आप यहीं पर ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर इसे क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई अपनी रिकॉर्डिंग पहले से ही अपने कंप्यूटर पर रखी है तो आप यहाँ से उसे इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये थे कुछ इसके बेसिक्स कि कैसे आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे तो आपको इसमें ज़्यादा नॉलेज मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको अगर आप अभी प्रीव्यू करके दिखाऊं तो ये हमने इस तरह से थोड़ा इफेक्ट डाला है इसमें। फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से इमेजेस ऐड कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस तरह की एनिमेशन को आप चेंज करने के लिए क्या किसी भी इमेज को SVG में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे इस तरह की एनिमेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह की एनिमेशन उस फोटो की बन जाएगी जो भी आप इम्पोर्ट करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं SVG पर क्लिक कन्वर्ट करने के बाद हर इमेज आप इस तरह से एनिमेट कर सकते हो जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं इसमें जो भी आप ग्राफ ऐड करना चाहते हैं, कोई और भी इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो वो यहां पर कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आप इमेज को यहाँ पर उसी पॉइंट पर प्लेस कर सकते हैं। मैंने आप बहुत से बिगिनर्स को देखा है कि जब भी वो शुरू करते हैं तो इसमें उनको बड़ी दिक्कत आती है। जब मैंने भी यूज़ किया था तो मुझे भी बड़ी परेशानी आ रही थी कि मैं देखता था जहाँ भी प्लेस करो तो उसके बाद जो अगली एनिमेशन है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाती थी, जो भी मैंने प्लेसमेंट रखी है वो नहीं होती। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो ये राइट है इस पर क्लिक करना है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप अगर कोई एलिमेंट है उसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं, उसे कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ जो ये हाय फ्रेंड्स है इसको आप कॉपी करके अगर बाद में भी डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड मैंने आपको यहाँ पर हैंड्स की एनिमेशन भी बता दी कि कैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखाया आप हैंड से अपने हाथों की फ़ोटो भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मूव करना चाहते हैं बाहर अंदर कहीं से भी मतलब कोई भी डायरेक्शन से तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इसी तरह से फ्रेंड जब आपकी पूरी एनिमेशन हो जाए तो आप इसे दो तरह से यहाँ पर सेव कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से यहाँ पर भी आपको अगर जब आपकी वीडियो पूरी तैयार हो जाए तो आप अगर उसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं इसे आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर और पावर पॉइंट के रूप में भी बना सकते हैं। तो अगर आप इसे कंप्यूटर में ही सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसके बाद जो भी इसे आप नाम देना चाहते हैं, नाम देने के बाद आपको यहाँ राइट पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद इसकी जो एक्सपोर्टिंग है वो चालू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने जो वीडियो स्क्राइब है उसका थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया होगा और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप इसे बार बार यूज़ करते रहेंगे तो आपको बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप ऐसे ही टेक वीडियोज़ और यूजफुल वीडियोज़ फ्यूचर में देखना चाहते हैं। फाइनली फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।